हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं नेट 2020 केमिस्ट्री पेपर की। नेट 2020 का जो केमिस्ट्री का पेपर है अपने 45 क्वेश्चन से, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस क्लास में, क्लियर। और पिछली क्लास में हमने 2020 का नेट का ही बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन सोल्व किए थे, और उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम केमिस्ट्री के। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आपको वो मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करना है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। पहला है Hg2, Li2 है ना, हीलियम, लिथियम Li2 और O2। देखो अगर आपने देखा होगा ना, O2 भी आपने देखा है ना, C2 भी देखा है, Li2 भी, आपने Hi2 नहीं देखा होगा ना। तो ऐसे अगर तुक्का मारना चाहो ना, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे तुक्का मार सकते हो, लेकिन इसका जो सही एक्सप्लेनेशन है ना वो क्या होगा, यानी जिस जिस किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो होना वो पॉसिबल नहीं है, है ना। बॉन्ड ऑर्डर जीरो का होना, मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, वो ध्यान रखना। अगर आप हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे जीरो है, ठीक है, काफी ज्यादा ध्यान रखना। और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो MO2 के अकॉर्डिंग करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो लिथियम है अपना, लिथियम का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो होता है एक, ठीक है। तो लिथियम यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बॉन्ड ऑर्डर 1 है। C2 का भी बॉन्ड ऑर्डर देखोगे आप, जो C2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है यहाँ पे 2, दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी 2 है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो हीलियम है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 है। सिंपल सा देखो, अभी ये इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस है ना मोनोएटॉमिक कंडीशन में मिलती है, डायएटॉमिक कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करती है। बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखो या मोनोएटॉमिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो, आपका ऑप्शन कौन सा फर्स्ट करेक्ट होगा, क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या था, फाइंड आउट द सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इन 0.1 m NaOH given that the ionic product of NiOH whole twice is 2×10⁻¹⁵. ठीक है, आपको सोल्युबिलिटी पता करनी है NiOH whole twice की, और इसके लिए अब जो आयनिक प्रोडक्ट है NiOH whole twice का, वो आपको दे रखा है 2×10⁻¹⁵ दे रखा है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, आपको रिएक्शन बतानी पड़ेगी पहले, जो NiOH whole twice है, है ना, इसका जो डिसोसिएशन होगा ना वो कैसे होगा, Ni2 प्लस और OH2 माइनस, ठीक है, इस कंडीशन में होगा। और यहाँ पे देखो S क्या हो, जो Ni होगा ना वो अकेला है, तो इसका जो सोलिबिलिटी कांस्टेंट होगा वो S होगा, और जो OH होल्ड वाइस होगा इसका 2 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आपको फिर NaOH का ब्रेकडाउन करवाना पड़ेगा, वहाँ पे भी Na+ और OH- होगा, और जो NaOH में जो OH- है उसका दे रखा है आपको कितना, 0.1 दे रखा है उसका सोलिबिलिटी, ठीक है, 0.1 है, ठीक है। तो आपको अब क्या होगा, करना पड़ेगा यहाँ पे SKSP निकालना है, ठीक है, सोल्युबिलिटी निकालना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है देखो क्या होगा, KSP का Ni2 प्लस आयन, जो Ni के जो आयन है वो, OH का OH माइनस आयन है वो। देखो तो Ni का तो पावर कुछ है नहीं, और OH का जो Ni में OH है ना होल ट्वाइस, इसके पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो Ni का जो सोल्युबिलिटी होगा वो होगा S, और OH का कितना हो जाएगा 2S, ठीक है, 2S हो जाएगा। और प्लस में कितना देगा इसका, OH का साथ में देगा इसने 0.1 ना, 0.1 साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से आपको इसके सोलिबिलिटी देखोगे, एस का जो पावर आएगा ना यहाँ पे, जो एस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.01 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 0.01 सोलिबिलिटी आएगी, वो एस आएगा यहाँ पे, और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे जब कितना, इससे 10⁻¹⁵ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे माइनस में कितना है, 2 डिजिट यहाँ पर है, तो सिंपल सा क्या करो, इसमें से 15 में से आप 2 कम कर दो ना, 13 हो जाएगा, 2×10⁻¹⁲। थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। ये अपना जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उस वाला चैप्टर से क्वेश्चन आया है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या कहता है आपको, 93 कहता है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पहला कौन सा है देखो, CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड है उसके लिए आप CO2 वगैरह को, इसको CO2 को यूज करते हो, CO2 गैस को, गैस को अपन यूज नहीं करते, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इसने दिया है, द स्ट्रक्चर ऑफ C16 कंटेन 12-6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग, दे दिया इसने। पहले तो है ना 5 कार्बन रिंग होती है, और कितनी 20 है ना, 6 कार्बन रिंग होगी, तो ये अपना सेकंड ऑप्शन भी इसने रॉन्ग दे दिया, जस्ट उल्टा दे दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन सी, ZSM5 और टाइप ऑफ ज़ियोलाइट used to convert alcohol into gasoline, इसने सही दिया ऑप्शन, ठीक है ना। ZSM5 होता है वो एक ज़ियोलाइट है, तो अपन अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं,
और फिर साथ में इसने क्या दिया, नेक्स्ट ऑप्शन, सीओ इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कलरलेस भी होती है, ऑडरलेस भी होती है, ये भी सही है। देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ अपना, सी एन डी 93 का क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन हो जाएगा आपके फोर्थ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी देख हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में, क्या दिया इसने, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस दे रखा है सुक्रोज का, ठीक है, हाँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूँ, सुक्रोज प्लस H2O फिर कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज 2 × 10⁻³। ठीक है, इसका जो केसी है दो है, वो है 2 × 10³ और एट 100 डिग्री 300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ डेल आर जी नॉट एट द सेम टेम्परेचर विल बी, इसने ना डेल आर जी नॉट की वैल्यू पूछी है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी इसने वो किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। देखो तो जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने का अपने पास फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, माइनस आर टी एल एन के सी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 8.3 रखनी पड़ेगी यहाँ पे ना, फिर टी की वैल्यू, आर की वैल्यू 8.3 रख दो, टी की वैल्यू यहाँ पे 300 दे रही है, 300 केल्विन है। ठीक है, और एल एन और केसी की वैल्यू क्या है, केसी की वैल्यू आप क्वेश्चन में गिवन 2 × 10³ है, ये वैल्यू रखोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका। देखो क्या था, आर की वैल्यू रखो, आर की 8. माइनस आएगा ना, माइनस आर टी था, माइनस वाला ऑप्शन या तो पहला होगा या चौथा होगा। ठीक है, तो -3.3 ये हो गया, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में 300 ln 2⁻ ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। ठीक है ना, 2 × 10³। देखो केसी की वैल्यू दे रखी ना इसने, केसी की वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ा दी, अपना ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन केसी इसका फॉर्मूला होता है। तो आपने आर की वैल्यू रख दी है, टी की वैल्यू गिवन है और केसी की वैल्यू भी गिवन है, तो इस तरह से 94 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95। वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 95, इसने कहा आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन है, इसमें आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, एक्स कौन सा बना है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो रिएक्शन क्या थी आपकी, रिएक्शन थी CH3, मतलब टोलुइन था, टोलुइन की CO2 से रिएक्शन करवा रहे हो, क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हो, और उससे वो एक कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, उसकी रिएक्शन आप वापस करवा दोगे H2O से, तो उससे CHO बन रहा है ना, बेंजल्डिहाइड बना। जो यहाँ पे एक्स था ना इंटरमीडिएट बना था, वो क्या था आपको वो देखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना, जब आप टोलुइन की रिएक्शन करवा दो ना CL2 से, क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बनता है CHCl3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो Cl है, एक Cl यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, है ना, एक H से निकल जाएगा, एक Cl कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो CHCl3। तो देखो सेकंड में CHCl3 कहाँ पे आ रहा है, सॉरी CHCl2 बनेगा अपने यहाँ पे, है ना, CHCl3 नहीं Cl2 बनेगा। तो देखो CHCl2 वाला ऑप्शन कहाँ पर है अपना, ये थर्ड वाला ऑप्शन, इस रिएक्शन में अपना ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? याद रखना क्यों हुआ, क्योंकि दो दो HCl थे, दो हाइड्रोजन थे, ये दो क्लोरीन थे, ये दो हाइड्रोजनों को लेकर चले जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या बचेगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन चले गए, दो HCl निकल के, फिर यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सील के कितने चाहिए अपने, दो चाहिए, है ना, दो Cl निकल के और दो यहाँ पे इसके साथ में आ जाएगा, CHCl2 बनेगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें देखो अगला क्या दिया आपके, क्वेश्चन नंबर 96 ये वाला, आपको इनकरेक्ट पेयर मैच करवाना है, कौन सा है आपको इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, देखो अनलिन नियम है ना, क्या दिया इसने, एल्डिहाइड नियम है ना, पहला वाला तो ऑप्शन देखो सही है, और सेकंड दिया इसने अनिलियम है ना, ये भी सही है ना। देखो इसके लिए आपको ना नोमेनक्लेचर आना चाहिए, जो आईयूपीएससी वाला अपना चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने करवा रखा है आपको, तो आप ये वहां से देख सकते हो। थर्ड वाला ऑप्शन है वो भी इसने सही दिया, जो फोर्थ वाला है ना वो वाला गलत दे रखा है इसने, है ना, फर्स्ट नियम जो नियम दे रखा है ना वो आपको गलत होगा। ठीक है, तो जो ये होता है ना अन्य नियम, इसने जो नियम दे रखा है वो है ना रोटेन जीएम होता है, जीएम होता है। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, और वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ पूछ लिया था इसने ना, ये इतना ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन इसका फोर्थ रॉन्ग होगा। ठीक है, इसने दिया था ना ये थर्मेस्टिडियम, यहाँ पे होगा रोटेन जीएम, है ना, रोटेन जीनियम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 97, इसने क्या कहा,
एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूब, है ना, कौन सा एलिमेंट है, बीसीसी वाला है, ठीक है, स्ट्रक्चर है विथ सेल एज 288 पिकोमीटर, बीसीसी स्ट्रक्चर है अपनी और सेल एज है उसका 228 288 पिकोमीटर, एटॉमिक रेडियस क्या होगा इसका, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियस खुद को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है अपने पास √3/4a, √3/4a होगा और a इसने दे रखा है कितना है 288 है, तो √3/4a देखो a मतलब 288 कहाँ मिल रहा है अपने को, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो 97 में अपना ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। याद रखना जो एटॉमिक रेडियस होती है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था बीसीसी के लिए, √3/4a, और a क्या था, ये आपकी कोई भी साइड है उसकी एज की जो लेंथ है वो, तो इसने दे रखी है 288, देखो 288 यहाँ पर फॉर्मूला रॉन्ग लगा दिया, यहाँ पे सब में फॉर्मूला रॉन्ग है, 97 वाला फॉर्मूला सही, √3/4 a होता है, 97 का ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, क्या था, इच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट होगा वो देखकर बताना है अपने को, ठीक है। तो देखो जो डाइपोल मोमेंट होता है ना किसी भी स्पीसीज का वो क्या होता है, द स्पीसीज विच पोलर बॉन्ड्स शेल बी नॉन पोलर, है ना, जो जीरो डाइपोल मोमेंट होगा ना वो किसका होगा, जो रिजल्टेंट डाइपोल है ना, अगर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो अपना जीरो होता है, और वो किस में होगा, देखो रिजल्टेंट कर दिया इसने अमोनिया बेरिलियम फ्लोराइड है ना वाटर मॉलिक्यूल सब में तो नहीं होता देखो, तो इसने ऑप्शन देखो फोर्थ दे रखा है यहाँ पे, देखो जैसे बोरोन ट्राई फ्लोराइड है ना, यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होता है, बेरिलियम डाई फ्लोराइड ये भी इसका एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, जीरो होता है, ये एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, वन फॉर डाइक्लोरोबेंजीन है, ये सबका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो 98 में आप फोर याद रखोगे, किसका जीरो होता है वो आपको याद रखना है। देखो कुछ कुछ जैसे एग्जांपल है मैं बता दूं जीरो किस किस का होता है डाइपोल मोमेंट, तो पहला आपको याद रखना BF3, इसने अपने एग्जांपल पर दे रखा ही है, इसके बाद में BEF3 बेरिलियम डाइफ्लोराइड इसका भी जीरो होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी जीरो होता है, इसके अलावा बेंजीन डाइक्लोराइड है ना, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इसका भी जीरो होता है, इसके अलावा NH3 अमोनिया होता है उसका भी जीरो होता है ना, उसका जीरो नहीं होता, ठीक है ना, याद रखना अमोनिया का जीरो नहीं होता है, H2O का भी जीरो नहीं होता है, HF का भी जीरो नहीं होता है ना, तो BF3 BEF2 CO2 और डाइक्लोरोबेंजीन इन दोनों का जीरो होता है, इन चारों का जीरो होता है बाकी जीरो नहीं होता, तो 98 का क्वेश्चन ऑप्शन अपने फोर्थ हो गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, कहता है 99 ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइसल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, आप डाइसल्फ्यूरिक एसिड था उसका क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, और कौन सा इलेक्ट्रोड आपके पास, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट, प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा, जो एनोड था ना एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा वो इसने ये पूछा है, ठीक है, एनोड के उधर दो होते ना इलेक्ट्रोड, तो एनोड पे कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, H2S गैस या SO2, ठीक है, जो H2SO4 था ना अपने पास कौन सा था, वो डाइल्यूट सल्फर था, उसको अगर आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड करते हो जो H2 गैस होती ना तो वो तो बनती है कैथोड पे, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी, लेकिन जो एनोड पे होगा ना एनोड पे होगा अपना ऑक्सीजन ना, तो एनोड पूछा ना इसने एनोड का बता देना ऑक्सीजन, और कैथोड पूछा तो अपने को CO2 बता दे, वहां पे H2 बताते हैं ना, तो 99 का ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा आपका, क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव्स, अगर ये रिएक्शन करवाओगे आप, आपके पास था एसीटोन है ना CH3 डबल बॉन्ड ऑफ CH3, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो CH3MgCl ना, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड उसके साथ में करवाई और उसके साथ में अपना उसका हाइड्रोलाइसिस भी करवाया, H2O की रिएक्शन भी करवाई, तो उससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब याद रखना इसमें देखो एक तो बनता है कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ठीक है, MgOHCl बनेगा है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला प्रोडक्ट बन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता लेकिन वैसा एक प्रोडक्ट बनता है, और उसके साथ में क्या बनेगा आपको, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आपने इसकी रिएक्शन करवाई है, जो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है ना इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हो आप उसको, वो तो इसमें बनेगा क्या, तो इसमें बनेगा टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है ना, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, सॉरी ऑप्शन होगा, या आपको रिएक्शन करवा के देखना पड़ेगा और ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर हैज ओ लिंकेज, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लिंकेज कौन से ऑक्सा एसिड में होता है, ऑप्शन है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड है पायरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड फोर्थ है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, इसमें याद रखना आपको H2S2O8 ना, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट होता है,
है, या ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज पूछ लेना, और किसी में नहीं होता है। अगर सल्फर ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज पूछे तो फर्स्ट बार आपको बताना था H2S2O7, लेकिन इसने ऑक्सीजन ऑक्सीजन पूछे ना तो सिर्फ एक ही में होता है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसके आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102, 102 पे देखना है क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव द कार्बिल अमाइन, है ना, कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन सा देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। याद रखना जो कार्बन अमाइन टेस्ट होता है ना वो प्राइमरी अमाइन देता है। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी अमाइन ऐसा अमाइन होता है जिसमें नाइट्रोजन किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हो, और अपना फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा है देखो, सेकंड में देखो एक और दो हो रहे हैं, यहाँ पे तीन हो रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन में भी दो हो रहे हैं, तो कौन सा अपने ऑप्शन से हो जाएगा, कार्बन अमाइन टेस्ट कौन देगा, प्राइमरी अमाइन, तो फर्स्ट वाला ही अपना प्राइमरी अमाइन 102 का पहला ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 102 तक हो गए अपने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। कहाँ तक हो गया था अपने, क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है ना। 102 में क्या था देखो, इसने दिया था कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन सा देगा, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक जो प्राइमरी कार्बन अमाइंस होते हैं वही अपना कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं। तो देखो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, तो ये अपना कार्बिल अमाइन टेस्ट देगा। देखो दूसरा तीसरा ये कोई प्राइमरी नहीं है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन 102 का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। दिया था इसने क्वेश्चन क्या है, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सी आर टू प्लस आयन्स इज, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एन एन प्लस टू, ठीक है, रूट के अंदर लिखना है एन और एन प्लस टू, ठीक है, और ये होता है, और एन क्या होता है यहाँ पे, एन आपको देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, सी ए सॉरी सी आर क्रोमियम प्लस टू प्लस, है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है देखते हो आप में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे कितने आते हैं, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी ऑर्बिटल में चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, फोर, तो फोर इंटू फोर प्लस टू सिक्स, है ना, और छह सात छह चार चौबीस, चौबीस का कितना होता है रूट, चौबीस का अगर रूट निकालोगे ना आप तो 4.90, ठीक है, तो 4.90 रूट ऑफ एन एन प्लस टू फॉर्मूला से क्वेश्चन होगा, याद रखना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 103 का ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा अपना। फिर यहाँ तक आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 क्या पूछा इसने, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज, है ना, आपने इसने क्या पूछा, फ्री एक्सपांशन पूछा है आइडियल गैस का, और किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में पूछा है, ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो एडियाबेटिक में है ना जो क्यू इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है ना, जो एनर्जी चेंज हो रहा है ना क्यों हो रहा है ना वो तो जीरो होगा, तो देखो अपना ऑप्शन या तो फर्स्ट या सेकंड होगा। जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो फ्री एक्सपांशन वगैरह कैसा होता है ये सारा अपन थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बताया था, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप वहां से पढ़ सकते हैं, तो क्यू इक्वल्स टू जीरो होता ही है इसमें, ठीक है। अब देखना टेम्परेचर, देखो एक जो डेल्टी है ना वो जीरो होगा या जीरो से कम होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जो डेल्टी होता है ना वो लेस देन जीरो होता है, जो वर्क होता है ना वो जीरो से ज्यादा होता है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सारी कंडीशन हमने वहां पे देखी थी, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्यू इक्वल्स टू जीरो, डेल्टी लेस देन जीरो और डब्ल्यू होगा मोर देन जीरो, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी ना वहां पे एक्सपांशन के लिए ये कंडीशन होती है। फिर यहाँ तक क्वेश्चन 104 104 का ऑप्शन अपना सेकेंड सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 105, देखो क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ये, और ये चैप्टर भी अपन ने पढ़ रखा है, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वहां से क्वेश्चन आया है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ ऑफ बेंजीन इज 5.12 ना केल्विन केजी मोल इनवर्स, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलिलिटी 0.078 m कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन इज, ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मतलब बेंजीन का इसने पूछा है, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन, तो कितना होगा, ए देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, इसको कैसे करोगे, देखो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला था जब अपन ने ये पढ़ा था वहां पे, तो फॉर्मूला था डेल टी एफ ना, डेल टी एफ इक्वल टू था आई के एफ एम, ठीक है, आई मतलब क्या था यहाँ पे, आई होता है यहाँ पे वॉन्ट ऑफ कॉन्स्टेंट, है ना, या इलेक्ट्रोलाइट कॉन्स्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है, और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसके लिए आई की वैल्यू होती है वन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वन हो गया, देखो इसने दे रखा है नॉन इलेक्ट्रोड अपना वन इलेक्ट्रोलाइट, तो फॉर्मूले में आई की वैल्यू तो वन आ जाएगी, और के एफ एम, ठीक है, के एफ की वैल्यू भी दे रखी है, देखो एम की भी दे रखी है, के एफ है आपका 5.12
उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.078 से, तो आपके आंसर आ जाएगा 0.40 केल्विन। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये भी फॉर्मूला कौन सा काम आएगा यहाँ पे, डेल टी एफ प्लस टू आई के एफ एम। के एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है वो आपको गिवन है, और एम क्या है यहाँ पे, एम है मोलिलिटी, ये भी आपको गिवन है, और जो आई की वैल्यू होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो होती है। तो इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप के एफ को और एम को, तो आंसर आ जाएगा आपके 0.40 के लिए। क्लियर यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, क्या कहता है ये, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आपको कितने फेराडे रिक्वायर्ड होंगे, आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है 20 ग्राम कैल्शियम बनाना है किससे, CaCl2 से, है ना, कैल्शियम क्लोराइड से। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो अब जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम की वैलेंस कितनी, Ca2+ होती है। ठीक है, जब कैल्शियम होता है वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब वो कैल्शियम में कन्वर्ट होगा, Ca2+ गेन करेगा दो इलेक्ट्रॉन को, और वो कन्वर्ट होता है कैल्शियम से। ठीक है, तो अपने को कितने फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी, दो फेराडे की रिक्वायरमेंट होती है एक मोल ऑफ कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए। जब मुझे अगर एक मोल यानी एक सीए चाहिए था ना, तो मुझे दो फेराडे की रिक्वायरमेंट थी, दो फेराडे। तो इसने पूछा क्या है, मुझे कितना करवाना है, 20 ग्राम कैल्शियम डिपोजिशन करवाना है ना, 20 ग्राम करवाना ना, 20 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 20 ग्राम के लिए जो कैल्शियम की वॉल्यूम होगी ना हो जाएगा, देखो दो फेराडे मतलब वन मोल, और वन मोल में जो वैल्यू होती है ना वो होती है 40 ग्राम की, यहाँ पे 40 ग्राम ही दिया ना, तो आंसर आ जाएगा वन मोल। ठीक है, जो दो फेराडे होते हैं ना वो क्या करते हैं, दो फेराडे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो वन मोल कैल्शियम यानी 40 ग्राम कैल्शियम को डिपोजिट करते हैं, आपको 20 ग्राम ही करना है, तो वन फेराडे होगा, याद रखना। क्लियर, अगला क्वेश्चन है 107, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इज प्रेजेंस ऑफ NaOH। आपको रिएक्शन करवानी है बेंजल्डिहाइड की और एसिटोफिनोन की, ये बेंजल्डिहाइड है और ये एसिटोफिनोन है, और किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को क्या कहोगे आप, ना बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन जब दोनों रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ना क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब ओनली बेंजल्डिहाइड की डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करवाएंगे तो उसको कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन यानी जब दो अलग अलग आपको दे रखे हों कोई, तो आपको बताना है वहां पे होगा एल्डोल कंडेंसेशन, बट कौन सा वाला, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और किसमें होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ना, ओनली में क्या होता है ये, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसी में ये रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन वाली। ठीक है, तो 107 का आपका ऑप्शन फोर्थ से हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, याद रखना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो रिएक्शन होती है ना क्रॉस एल्डोल में, एल्डोल कंडेंसेशन में। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 108 108, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो किसका एग्जांपल है, एडसॉर्प्शन पार्टीशन थिन लेयर या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है पी से पी, याद रखना पेपर कौन सा है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है। 108 का ऑप्शन सेकेंड होगा अपना। फिर यहाँ तक अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे, क्या कहता है ये, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज। कोई भी आपकी रिएक्शन हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज करे हो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की, क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी, हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी या कोलिशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको याद रखना इस कंडीशन में अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी ना, तो कोलिशन फ्रीक्वेंसी वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर यहां तक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे, क्या कहता है ये, अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड AR गैसेस इन ए सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 8 ग्राम ऑफ आर्गन। ठीक है, आपके पास सिलेंडर का 7 ग्राम नाइट्रोजन है और 8 ग्राम आर्गन है। द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज सिलेंडर इज 27 बार। जो टोटल प्रेशर है ना दोनों गैसों का वो 27 बार है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको हमने देखा था पार्शियल प्रेशर के लिए जो पढ़ा था ना अपन ने, वही से क्वेश्चन आया है आपके। ठीक है, जो गैसेस स्टेट चैप्टर पढ़ा था वहां से क्वेश्चन आई है। और इसको कैसे करेंगे, देखो तो मोल फ्रैक्शन देखना पड़ेगा आपको N2 का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन N2 का क्या होगा, x है ना, p टोटल ऑफ NT, जो p टोटल है उसमें से आपको n का देखना है ना, NxN2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल मोल अपॉन मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, टोटल मोल कितना दे रखा आपने को, टोटल मोल गिवन है, देखो टोटल मोल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो कितने हैं अपने पास, नाइट्रोजन के मोल है यहाँ पे 7,
7 ग्राम दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल नाइट्रोजन के रेफरेंस में हो जाएगा यहाँ पे 28, ठीक है, 28 क्यों हो जाएगा टोटल। देखो अगर पहले पर क्या कर रहे हैं, मोल पता कर रहे हैं नाइट्रोजन के, ठीक है ना, मोल पता करने तो मोल जो वेट अपन मोलिकुलर वेट करते हैं ना, तो वेट कितना है नाइट्रोजन का 7 है, और मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 14 × 14 × 14 दोनों 28, 7/28 इसका मोल हो जाएंगे नाइट्रोजन के, यानी 1/4 मोल है नाइट्रोजन के। और इसी तरह से आर्गन के मोल कितने हो जाएंगे, इसका वेट कितना है 8 और मोलिकुलर वेट कितना होता है 40 होता है, 1/5 तो आर्गन के हैं और 1/4 किसके हैं नाइट्रोजन के हैं। अब बस मोल आपको दोनों के मोल पता चल गए, ऊपर आपको किसका मोल रखना है, रख दो नाइट्रोजन के जो आपको फाइंड करना है, नीचे टोटल दोनों के मोल, आंसर आ जाएगा आपके 15 मोल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है ना, क्या दिया इसने, पहला दिया रॉ आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन, ये करेक्ट है, नहीं ये इनकरेक्ट है, ठीक है। और उसमें नेक्स्ट दिया इसने ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ CO2, नहीं ये भी नहीं है। उसके बाद में दिया वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर द निकल नॉन आर्केल मेथड, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट दिया इसने पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इन टू अ वेराइटी ऑफ शेप्स, सही बात है ये, है ना, जो पिग आयरन होता है ना उसको आप बहुत सारी वेराइटी ऑफ शेप में मोल्ड कर सकते हो, क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो 111 का ऑप्शन अपने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, और टर्शरी ब्यूटिल कार्बो केटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बो केटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टर्शरी कार्बो कार्बो केटायन होता है ना वो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है, क्यों है वो रीजन पूछा है। पहला माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH2 ग्रुप, सेकंड प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH2 ग्रुप, नेक्स्ट माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH2 ग्रुप, और फोर्थ ऑप्शन है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होगा, ठीक है। जो टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन है ना वहां पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनती है, टर्शरी की कितनी स्ट्रक्चर बनती है 9 स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो सेकेंडरी है ना सेकेंडरी की 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ही है, जिसमें जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी वो उतने ज्यादा स्टेबल होगा, अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल है ये, क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं क्वेश्चन 113, कहता देखो क्वेश्चन नंबर 113, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट, है ना, कौन सा कैटायनिक डिटर्जेंट है, पहला सोडियम लोरिल सल्फेट, नहीं ये नहीं है कैटायनिक, नेक्स्ट है सोडियम स्टीरेट, नहीं सोडियम स्टीरेट भी नहीं है, नेक्स्ट है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये है ना कैटायन वाला है, ठीक है ना, ट्राई मिथाइल ब्रोमाइड, और सोडियम डोडेसिल बेंजिल सल्फोनेट, ये भी कैटायनिक डिटर्जेंट नहीं है। आपको ये तो बस याद रखने वाली चीज़ ये है ना, डिटर्जेंट वाला जो चैप्टर है आपके डेली केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, वहां से क्वेश्चन पूछा है आपके, ठीक है। तो 113 का आपके ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124, फिर 114, क्या दिया इसने, इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमोपेंटेन फ्रॉम टू पेंट टू इन इज ना, इलिमिनेशन रिएक्शन देखनी है आपने, आप किसकी देखनी है, टू ब्रोमोपेंटेन की देखनी है, क्या बनाता है वो पेंट टू इन बनाता है, ठीक है। कौन सा इलिमिनेशन है ये, बीटा इलिमिनेशन फ्लोस ना, जेसेव्स रूल, और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे बीटा कार्बन होता है ना वहां से इलिमिनेशन हो रहा है तो उसको बीटा इलिमिनेशन भी कहेंगे, पहला ऑप्शन भी सही है इसमें, और फ्लोस जेसेव का रूल फॉलो करता है सेजेव ना, तो ये भी सही है, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन का भी एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे और हेलोजन का भी हो रहा है तो इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहेंगे, तो ए बी सी कहाँ पर सही है, ए बी सी फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया अपना, क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं क्वेश्चन 115, द मिक्सचर ऑफ विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ है वहां से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, मैंने जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था मैंने तो वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको याद करवाए थे, कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और कौन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपको सारे सारे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें तो ये रटने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, बस याद ही रखना पड़ेगा। तो आपको बताना है यहाँ पे जो पॉजिटिव डेविएशन होता है ना उसके लिए इथेनॉल और एसीटोन दोनों पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इथेनॉल प्लस एसीटोन, जैसे बेंजीन टोलुइन है ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म ये भी नेगेटिव डेविएशन, और क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन ये भी नेगेटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव के लिए इथेनॉल और एसीटोन दोनों थे, क्लियर
फिर यहां तक 115 का पहला। नेक्स्ट देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 116। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 116? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ फील्ड ऑफ लिगेंड। लिगेंड है ना, उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना आपको, स्ट्रेंथ ना फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, जो जो ना लिगेंड को अरेंज करेंगे ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वहां पर क्या याद रखेंगे, इसको इस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है एसीएन की, उसके बाद में आता है अपना फ्लोरिन माइनस, ठीक है, फ्लोरिन माइनस, और सबसे ज्यादा होता है साइनाइड का, है ना। देखो यहाँ पे साइनाइड पहले आ गया था इसमें, ऑप्शन पहला हो जाएगा ना, SCN माइनस F माइनस C2O4 माइनस C2O4 को बोलते हैं ऑक्सलेटाइन, और CN माइनस, तो सबसे ज्यादा होगा CN माइनस का, 116 का ऑप्शन फर्स्ट होगा अपना यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? अब देख रहे हैं क्वेश्चन 117, क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड। देखो ये क्वेश्चन अपने बायोलॉजी में भी आया था, बेसिक अमीनो एसिड का, और यहाँ पे भी वापस आ गया, ठीक है। और वहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था, वहाँ पे लाइसिन था ना, यहाँ पे भी लाइसिन हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, लाइसीन है। क्लियर है, याद रहेगा कौन से एसिड अमीनो एसिड है, कौन से बेसिक अमीनो एसिड है, ये अपन सारा पढ़ेंगे अपने चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहां पे केमिस्ट्री में भी चैप्टर है और बायोलॉजी में भी चैप्टर है, दोनों को अपन अच्छे से वहां पे क्लियर करेंगे। क्लियर यहां तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 118। कहता है 118, HCl was passed through a solution of CaCl through, ना, CaCl to MgCl2 और NaCl, ये तीन का अपने पास सॉल्यूशन था, इसमें अपने HCl पास किया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज, कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा, पहला बोथ MgCl2 एंड CaCl2, सेकंड ओनली NaCl, ओनली MgCl2, और फोर्थ तीनों। ये क्वेश्चन अपन ने चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन कर रहे थे ना, वहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है हमने, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। याद रखना, जब HCl है ना, HCl ओनली किसको प्रेसिपिटेट करता है, क्रिस्टलाइज करता है, NaCl को करता है, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन होगा सेकंड, ओनली NaCl, थर्ड पे हो गया, ये सेकेंड ऑप्शन सही है ना, ओनली NaCl को करेगा, ठीक है। क्यों करेगा ये सर, देखो जो CaCl2 है, MgCl2 है और NaCl है, ठीक है, इन सब के क्रिस्टल्स अपन प्योर करते हैं, लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, इसके जो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो ज्यादा सोल्यूबल होंगे, और ज्यादा सोल्यूबल होने से अपन इजिली उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन NaCl के क्रिस्टल्स की सोल्यूबिलिटी कम है, इजिली अपन क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 118 का क्वेश्चन अपना होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, कौन सा है, सिस14 पॉलीआइसोप्रीन, नेक्स्ट है पॉली ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, नेक्स्ट है ब्यूटाडाइन, और फोर्थ है पॉली ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइज, ठीक है। तो नेचुरल पूछा है ना, नेचुरल में कौन सा मिलता है, तो बताना आपको सिस14 पॉली आइसोप्रीन, है ना। इसको सिंपल सा अपन आइसोप्रीन भी बोलते हैं, आइसोप्रीन इसका जो नेचुरल रबर होता है ना, उसका ये मोनोमर है ना, वो पॉलीमर है, ठीक है ना। तो सिस14 पॉली आइसोप्रीन, ठीक है, क्वेश्चन 119 का फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन 120, क्या कहता है ये, देखो तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के रेफरेंस में आपको देखना है। वो पहला दिया है इसने, इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, सही बात है ना, इसने कौन सा नहीं है ना, नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है फर्स्ट वाला। सेकंड दिया इसने, इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। नेक्स्ट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बाउंड टू सीओ इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंपेरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो ये इसने करेक्ट ऑप्शन दिया है, इनकरेक्ट दिया है, यही देखना था अपने को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 121, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा, तो आपको पता है सुक्रोज का करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है ना। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहाँ पर है, पहले में ग्लूकोज है और दूसरे में फ्रक्टोज है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया अपना, तो इसमें तो है ना। तो देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, देखो पहले में नहीं, तीसरे में भी सही है, लेकिन आपको बताना कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, तो अपने को पता है कौन सा होता है, ग्लूकोज हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा, और फ्रक्टोज बीटा डी होता है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे थे आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप नहीं पहचान सकते, तो कौन सा अल्फा बीटा से आपको पहचाना पड़ेगा, तो ग्लूकोज होगा अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा बीटा डी फ्रक्टोज। 121 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 122,
द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम, है ना, बहुत सारे जो आयन्स होते हैं ना वो एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी विद एनए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ना, कौन सा मेटल आयन है जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा ग्लूकोज का, एटीपी का प्रोडक्शन करेगा सोडियम के साथ में, और वो सोडियम के साथ में रिस्पॉन्सिबल है नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए। तो आपको याद रखना है वो होता है कैल्शियम, 112 का थर्ड ऑप्शन, 122 का सी ऑप्शन, है ना। सॉरी, इसमें देखो, इसमें इसने देना वो पोटेशियम सही है, ठीक है ना, नर्व इम्पल्स के लिए। तो 122 का ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, 1 ग्राम ऑफ Ag, 1 ग्राम ऑफ Mg, 1 ग्राम ऑफ O2 और 1 ग्राम ऑफ Li, किसमें होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो कैसे देखोगे आपको, देखो नंबर ऑफ एटम्स देखने ना, क्या करोगे आप, इसको जो Na होता है ना अवोगाड्रो नंबर, उससे आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है ना। तो जब आप करोगे ना इसका सॉल्यूशन, तो आपका आएगा 1 ग्राम ऑफ लिथियम, ठीक है, लिथियम में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, खैर यहाँ तक ठीक है। और देखो सिंपल सा तरीका भी देखो ना, मैक्सिमम जिसके साइज सबसे छोटी होगी ना उसके 1 मोल में सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। देखो सबसे छोटी साइज किसकी है, लिथियम की है ना, बाकी सबकी तो बड़ी है, वैसे भी कर सकते हो ना, सिंपल सा तरीका था पहचानने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 124, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटीशियम, 71 एटॉमिक नंबर है और 175 इसका एटॉमिक मास है, ये दे रखा है। देखो सिंपल सा है, तो इसने पूछा प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने होंगे जो एटॉमिक नंबर है 71 हो जाएंगे, है ना। देखो पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में अपने को ऐसी कंडीशन मिली है। फिर तो इसने पूछा देखो न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे, देखो इसने देखो ये पूछा ना, तो प्रोटॉन जितने हैं ना उतने उतने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में 71 71 दोनों। देखो पहला ऑप्शन ही सही हो गया इसमें, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, और जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर आपको न्यूट्रॉन का नंबर भी पता करना है तो कैसे करोगे, जो एटॉमिक मास है ना 175 175 में से आप 71 माइनस कर दो, तो आपके 104 आ जाएगा, तो 104 इसका ऑप्शन आपके फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 125, या 125 क्या कहता है, वॉट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बताना है। देखो CH4 था ना, CH4 में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो -4 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, और चार हाइड्रोजन है तो +4, और +4 है तो ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 था यहाँ पे, -4 से देखो यहाँ पे कितना चला गया, +4 चला गया, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन का -1 होता है और चार क्लोरीन का -4, कार्बन का +4, तो -4 तो -4 टू +4, 125 में ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 126 क्या कहता है, 126 देखो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना आपको, ठीक है ना, देखते कौन सा इनकरेक्ट है ना। Cr2+D4 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन F2+6 इन वाटर, ठीक है। देखो ये इनकरेक्ट, देखो ये सही बात कही इसने, ठीक है ना, रीजन देखेंगे अभी क्यों बात कही ना। सेकेंड ईयर ट्रांजेक्शन मेटर्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट कैटालाइटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडेप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, सही बात है ये भी, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स होते हैं उसको एज ए कैटालाइस्ट यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। नेक्स्ट है इसका इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स, हाँ यही होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड बड़े कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, छोटे छोटे आइटम्स है ना बीच बीच में ट्रेप हो जाते हैं, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये बात भी सही की इसने। और देखो तीन बातें सही हो तो कौन सा बच गया अपने, चौथा ये ऑप्शन सही हो जाएगा फिर तो। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम Cr4O2- एंड Cr2O7 आर नॉट सेम, तो देखो दोनों के आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितने हो जाएगा, देखो इसकी है ना ऑक्सीजन की है यहाँ पे तो फर्स्ट वाला है Cr2O, ऑक्सीजन की ना -2 होती है, तो -8 -8 में से आप 2 निकाल दो, -6 बचे, तो Cr की तो +6 है, ठीक है। और इसके भी यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे भी +6 आ रही है, दोनों के +6 +6, लेकिन इसने कहा क्या कहा, दोनों के सेम नहीं है, दोनों के सेम है, तो ये अपना इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 127 इसने क्या पूछा, फॉर द रिएक्शन Cl2Cl Cl2 में बन रहा था, करेक्ट ऑप्शन इस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है, तो वो बताना आपको। तो देखो जब क्लोरीन थे वो कौन से थे, क्लोरीन
अकेला एटम थे, सिंगल एटम थे, वो फ्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डेल आर होता है ना, आर एस मतलब रिएक्शन ऑफ ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना लेस देन जीरो होगी यहाँ पे, ठीक है। तो एंथैल्पी रिएक्शन तो लेस देन जीरो है, और उसके साथ में डेल आर एस ना ये कितना होगा, ये भी लेस देन जीरो होगा। 127 का ऑप्शन भी होगा, क्लियर यहाँ तक। 127 का ऑप्शन फोर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। टेक्सास ने इसने कहा मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ टोरॉइडल सॉल्यूशन, है ना, कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर करने में काम आता है जीटा पोटेंशियल करना, विस्कोसिटी, सोल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स एंड साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन, आपको बताना स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, जो स्टेबिलिटी होती है ना कोलोइडल पार्टिकल्स की, उसका जो मेजर करते हैं ना जीटा पोटेंशियल, वो वहां पे काम आता है कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो जीटा पोटेंशियल क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, 128 का ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं 129। क्या क्या 129 कह रहा है, ये कह रहा है यूरिया रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म ए विच इज डिकम्पोज फॉर्म बी व्हेन बी पास्ड थ्रू CO2 प्लस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी इज फॉर्म्ड ना। तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सी, इसने सी का फॉर्मूला पूछ लिया है ना। तो देखो आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, इसने क्या क्या, जो यूरिया रिएक्ट करता है वाटर से, तो यूरिया NH2CO NH2 रिएक्शन करवा दो H2O से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब यूरिया वाटर से रिएक्शन करता है ना, तो यहाँ पे बनता है अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये ऑप्शन अपना अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब जो अमोनियम कार्बोनेट है वो क्या कर रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है बी में, ठीक है। तो डिकम्पोज बी में हो रहा मतलब वो किसका फॉर्मेशन कर देगा, वो अमोनिया वापस वाटर और CO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो बी यहाँ पे क्या था अपना, बी अमोनिया बन गया था, ठीक है। अब अमोनिया में क्या कर रहे हो आप, अमोनिया में आपने कॉपर आयन CO2 प्लस पास किया, तो उससे क्या बना, एक डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना, और उसका डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होगा ना, वो किसका होगा, कॉपर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स होगा। कॉपर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स कहाँ दिख रहा है आपको, सेकेंड वाला दिख रहा है, ठीक है। आपको रिएक्शन करवानी थी, यूरिया की रिएक्शन करवा दो वाटर से, फिर जो बना रिएक्शन वापस सीओ से करवा दो, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 120 क्या कहता है, ये 130 मैच द फॉलोइंग। देखो मैच करवाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मैचिंग वाला क्वेश्चन बहुत शानदार होता है, तो मैच करवा दो। देखो पहला है सीओ और एच टू, सीओ और एच टू को बोलते हैं सिंथेसिस गैस या प्रोड्यूसर गैस। तो पहले मेथड हो गया, पहले मेथड मतलब पहला दूसरा तीसरा, तीन में से कोई ऑप्शन होगा, चौथा तो होगा ही नहीं यहाँ पे। अब देखो बी करवाना है आपको, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है ना वाटर की, वो होती है बाई कार्बोनेट होते हैं ना उसकी वजह से, और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, क्लोराइड और सल्फेट। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन हो गया अपना। और नेक्स्ट है P2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हाइड्राइड है ये, और H2O2 क्या है, पोलर स्ट्रक्चर। तो पहला हो गया अपना ऑप्शन ही फर्स्ट, ठीक है। तीसरा साहब को ये मैच करवाना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, यहाँ पे भी मैच करवाना है आपको, है ना, CO क्या है, BaO क्या है, वो सारा करवाना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। तो पहला अपना दे रखा CO, CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। अब इसने दिया है BaO, BaO क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, Al2O3, Al2O3 होता है एम्फोटेरिक नेचर का, और C2O7 बच गया तो वो एसिडिक हो जाएगा। देखो पहले में सेकंड, देखो आपका पहले से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है वैसे, 131 में सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। तो इस तरह से आपको मैच करवाना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन अपना 132 क्वेश्चन, और क्या कहता है 132, देखो द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ना, ये रेट कांस्टेंट है अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज। आपके पास क्या था, रिएक्टेंट था 2 ग्राम था, उसको रिड्यूस करना था 0.2 ग्राम में, उसके लिए कितना टाइम चाहिए आपको, रेट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो अपने पास देखो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो अपन क्या करेंगे, टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टी इक्वल्स टू क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट, कितना दिया इसने, रेट कांस्टेंट अपने को दे रखा है, और साथ में आ जाएगा लॉग, लॉग ऊपर क्या है, ऊपर कितना था अपना, लॉग के ऊपर में आएगा 2 अपॉन 0.2, ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और आपके यहाँ पे आएंगे 500 सेकेंड, ठीक है। रेड कॉन्स्टेंट बना था आपके, लोग निकालना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा 132 का जो ऑप्शन था वो 500 सेकेंड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 133, क्या आ गया 133, देखो
हाँ एंड एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस, अपने पास कोई एल्कीन था उसका ओजोनोलाइसिस करा रहा हो, ओजोन से रिएक्शन करा रहा हो, गिव्स मिथिनेल, मिथिनेल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट स्ट्रक्चर इज, मिथिनेल बना रहा है एक प्रोडक्ट, तो उसकी कौन सी स्ट्रक्चर होगी? देखो चारों एल्किन दे रखी है आपको, तो आपको बताना है ठीक है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, इसका जो ऑप्शन होगा ना वो ऑप्शन अपना सी वाला होगा। देखो सी वाला कैसे होगा, इसने पूछा वो एल्किन पहचानी है, देखो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखो पहले में क्या दे रखा था, आप ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो ना, आप यहाँ से करवाते हैं ठीक है, यहाँ से करवाते ना आपके के पास क्या होता है, ये दो कार्बन का स्ट्रक्चर बनता ठीक है, और मिथिनल बन रहा है, मिथिनल का मतलब क्या था, आपके पास जो एल्डिहाइड बन रहा है ना, एल्डिहाइड में कार्बन एक ही है, लेकिन देखो आप इसको यहाँ से आप ब्रेक ब्रेक करते ना बीच में से, तो आपके पास जो एल्डिहाइड बनता है वो दो कार्बन वाला होता, लेकिन अपने एक कार्बन वाला था, इसलिए पहला ऑप्शन इस तरह से कर दिया आपने। और ये देखो सेकंड वाला, देखो इसमें तो जो ये चेन दिख रहा है आपको, इसमें डबल बॉन्ड का दिख ही नहीं रहा है, तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, बेंजीन में चाहे इस रिंग में आपको दिख रहा है ना डबल बॉन्ड, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो थर्ड वाले पे आओ, थर्ड वाले में क्या था, देखो अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपना एक एल्डिहाइड बनेगा ना, कितना कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मिथेन लिथ होता ना, इस वजह से अपना थर्ड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो सर थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आपका सही हो जाता। चलो अब चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अपना केमिस्ट्री का, 134। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में आपका कौन सा नहीं बना सकते हो आप अच्छी यील्ड के साथ में, कौन सा एल्केन नहीं बना सकते हो, एन हेक्सेन, टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन, एन हेप्टेन और एन ब्यूटेन ठीक है, आपको याद रखना है एन हेप्टेन ठीक है, वुड्स रिएक्शन में ये अच्छी यील्ड के साथ में नहीं बनता है ठीक है, क्यों बनेगा, क्यों नहीं बनेगा याद रखना, जो एन ब्यूटेन होता है और एन हेक्सेन होता है, एन ब्यूटेन एन हेक्सेन और टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन है, वो सिमेट्रिकल एलिन एल्केन से कैसे हैं, वो सारे एल्केन्स कैसे हैं, वो सिमेट्रिकल एल्केन से, तो सिमेट्रिकल है ना, तो सिमेट्रिकल जो एल्केन्स होते हैं ना ऐसे इनकी जो यील्ड होती है ना, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो मैक्सिमम होता है वुड रिएक्शन में ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एन हेप्टेन की, एन हेप्टेन कौन सा है, एसिमेट्रिकल है, और एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल की वजह से इसका जो यील्ड होती है ना ये प्रॉपर नहीं होती है वुड रिएक्शन में। वुड रिएक्शन के लिए क्या याद रखोगे, एल्केन कैसा होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कौन सा है, एन हेक्सेन भी है, ये भी है और ये भी है ठीक है, आपको याद रखना है। क्लियर है ठीक है, तो चलो अपने 134 क्वेश्चनों में अब कितना, एक क्वेश्चन और बचा शायद अपना ना, तो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा लास्ट, 135 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। चलो ये आ गया, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एनिसोल ऑन क्लीवेज विद एच आई गिव्स, एनिसोल था आपके पास, एनिसोल का आप क्या करोगे क्लीवेज करवाओगे एच आई के साथ में, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एनिसोल होता क्या है, बेंजीन के ऊपर ओ सी एस थ्री जुड़ेगा, बेंजीन के ऊपर जब ओ सी एस थ्री लगा होगा तो उसको कहेंगे एनिसोल, और जब उसकी रिएक्शन करवाओगे आप एच आई के साथ में है ना, एच आई के साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो उससे बनेगा फिनोल, और फिनोल के साथ में सी एस टी आई भी बचेगा। देखो तो यहाँ पे ओ सी एस टी था है ना, ओ सी एस टी था ना, तो सी एस टी को तो कौन लेके चला गया, आई लेके चला गया, ये आई लेके चला गया, एच आई का एच यहाँ पे आ गया, पहला ऑप्शन ही सही होगा। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन जो नीट आपके 2020 में आए थे, नीट 2020 के केमिस्ट्री के जो 45 क्वेश्चन थे उसको सोल्व किए, और कुछ क्वेश्चन थे जो फिजिकल केमिस्ट्री के, दो तीन क्वेश्चन वो थोड़े न्यूमेरिकल थे ना, दो या तीन क्वेश्चन ही थे, ज्यादा नहीं थे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, आप अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ में, के लिए धन्यवाद।